لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. इससे पहले की आयतों में अल्लाह ने अपनी सिफत रहमान का तस्किरा करते हुए तालीम कुरान की नेमत का जिक्र किया था और ये बात भी आपके सामने आई थी कि नेमत तखलीक पर नेमत तालीम को फौकियत दी. इंसान का पैदा करना अल्लाह की जानिब से इंसान पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन उससे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया बल्कि उसे तालीम कुरान दी, फिर साथ साथ बोलने की सलाहियत भी बख्शी, फिर जिंदगी गुजारने के लिए बेशुमार असबाबों वसाइल भी मुहैया कर दिए. जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी वो सारी चीज़ें इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में फराहम कर दिया. इन नेमतों का तस्किरा करते हुए बास फलों का जिक्र भी है और फिर उसके बाद कुरान ने कहा فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ऐ इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की किन किन नेमतों की तस्दीक करोगे, किन किन नेमतों को इनकार. आगे की आयतों में इंसान की तखलीक किस चीज़ से हुई, इंसान को पैदा कैसे किया गया, उसके कैसे मराहिल गुजरे हैं, किन किन मरहलों से गुजर कर इंसान दुनिया में एक अच्छी शक्ल शबाहत के साथ आया है, उसका हल्का सा तस्किरा आगे की आयत. خلق الانسان من صلصال كالفخار. उस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से. कुरान मुकद्दस में इंसान के पैदाइश के लिए मिट्टी का जिक्र है, फिर मिट्टी की कई शक्लें बदलाई, उसके कई अदवार और कई मरहले बदलाए. तो ये बताया गया आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया मिट्टी और पानी के कीचड़ से. कहीं कुरान मुकद्दस ने कहा मिन सुलालत मिन माई महीन. सुलाना कहते हैं अगर कीचड़ को आप पकड़िएगा तो आपकी उंगलियों के बीच से जो पानी की तरह निकलता है उसको अरबी में सुलाना कहते हैं. क्या हम उससे कीचड़ वाली मिट्टी से जो उंगलियों के बीच से निकल जाती है उससे पैदा. कहीं कुरान ने कहा मिन हमाई मसनून, सड़ी और गली हुई मिट्टी से पैदा. कहला मिन तीन लाजिम, लेसदार चिमटती हुई मिट्टी से पैदा. और कहे अल्लाह तबारक व तआला का मिन सरसान कल फखार, खनखनाती मिट्टी से जो ठीकरे की तरह होती है उससे अल्लाह ने. जब अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को बनाना चाहा तो रूए जमीन के मुख्तलिफ जगहों से फरिश्तों के जरिए से मिट्टी जमा कर, फिर उस मिट्टी को पानी में मिला दिया या मिट्टी में पानी मिला, एक लंबी मुद्दत तक उसको छोड़ दिया, उसको सड़ने और गलने दिया.
कीचड़ को अगर आप जानते होंगे, देहात से आपका वास्ता होगा, खेत खलिहान से आपका रिश्ता होगा, ये चीज आपको समझ में आ सकती है कि धान के रोपने और बीज के डालने से पहले खेती बड़े अच्छे अंदाज में तैयार की जाती है कि पानी और मिट्टी बिल्कुल मिल जाती। तो इंसान को एक मुद्दत तक के लिए पानी मिट्टी में छोड़ दिया, कुछ दिनों तक पानी मिट्टी एक साथ है, उसमें सड़ने की और बदबू हो जाती है, सड़ने और गलने के वजह से इससे बदबू पैदा। फिर मिट्टी अगर मिक्स हो जाए तो उसके अंदर लेस पैदा होता है, चिमचिमाहट पैदा होती है, अगर भाव डले आदमी का विसर भी जाए और साथ साथ चिमटी भी करने लगती है। फिर उसके बाद उसके शक्ल ये होती है कि जब उसे आहिस्ता आहिस्ता इंसानी ढांचा में ढाला गया तो उस मिट्टी को सुखाया भी। जैसे अगर आप देखेंगे जहां ईंट का भट्टा होता है वहां भी मिट्टी की सूरत यही होती है, पहले मिट्टी को सड़ा गला जाता, फिर उसके बाद उसे एक फर्मा के जरिए ढाला जाता और फिर उसको आग पर पकाया। इंसान का मामला ऐसे ही हुआ। या अगर वो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप देखते होंगे अभी पूजा का जमाना आता है तो बिरादराने वतन की जानिब से बहुत सी मूर्तियां और मुजस्मे बनाए, उसकी मिट्टी का भी वही आलम होता है और फिर वो मिट्टी जब सूख जाती है तो खड़खड़ाती मिट्टी हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसमें ढक्कन ढक्कन होना शुरू हो जाए। फिर उसको पकाया जाता है तो पकने के बाद इनकी सतह तैयार करता, अगर नहीं पकाया गया वैसे मिट्टी को रहने दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इन मराहिल से गुजार कर उनके पुतला मुजस्मा तैयार किया। फिर जब अल्लाह तबारक बताया ने उसमें रूह डाल दी तो फिर अल्लाह ने उसी हिस्से को चमड़ी और गोश्त में तब्दील कर दिया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक हुई। क्योंकि शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से है, इसलिए कहा कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। आज इंसान को मिट्टी से पैदा नहीं होता, हाँ मिट्टी से ऊंचा हुआ पैदा शुदा अनाज रसल्ला खाता है जिसके जरिए से इंसान का जन्म होता है, या फिर इसकी जो नस्ल अव्वल है या जिसकी बुनियाद अव्वल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया, उसका तज़किरा है कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया। क्या कहा? खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, इंसान को पैदा किया सलसाल, सलसाल मतलब खनखनाती मिट्टी, जो मिट्टी थोड़ी सूख जाए उसमें खड़गड़ की आवाज भी आती है। कल फखार, जिन्हें पका लिया तो ठीक नहीं बन जाती, अब जाए कुम्हार के पास जाइए तो मिट्टी के बर्तन जो बनाते उसको भी आप देख सकते हैं, तो कहा खनखनाती मिट्टी से जो ठीकरी की तरह हो उससे इंसान को यानी इंसान अव्वल आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसमें रूह डाली गई, अल्लाह ने रूह डाली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोल पड़े और फिर उसके बाद वो सिलसिला इंसानियत का वहां शुरू। वखलकल जान्न मिन मारिजिन मिन्ना, इंसान के भी मुकाबले एक दूसरी मखलूक भी है जो इंसान से पहले से, उस मखलूक का नाम है जिन, जिन जिन्नात हम लोग बोलते हैं, जिन के बारे में अगर पोशीदा छुपा हो तो जिन एक वैसी मखलूक है जो हमारी निगाहों से पोशीदा है, लेकिन जिनकी जो नस्ल है, जिनकी जो बुनियादी नस्ल है जहां उसकी इब्तिदा आगाज हुआ है उसको बना अल्लाह तबारक व तआला ने इसी में जमीन पर आग से पैदा किया है। इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और जिन को आग से पैदा किया है। इसी कुरान का वखलकल जान्न मिन मारिजिन मिन्नार, अल्लाह ने जिन्नात को आग के शोरों से पैदा किया। एक तीसरी मखलूक है जिसका नाम मलक मलाइका या फरिश्ता है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर और रोशनी से पैदा किया। ये जिन्नात के भी मुकाबिल और ज्यादा लतीफ, जिन्नात के अंदर एक बोझ भी है, वजन भी है, उसके भी मुकाबिल फरिश्ता और हल्का। तो इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, जिन को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया,
इसको अल्लाह ने नूह से पैदा किया, ये सब मखलूकात और बहुत सारी मखलूकात है जो अनगिनत लातादा जिसकी गिनती ही नहीं है, बेशुमार मखलूकात अल्लाह ने पैदा किया। इंसान जिन्नात की तखलीक और पैदाइश के तस्किरा करने के फॉर्मूला ने कहा فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان و جنات اپنے رب کے کن کن کرشمے میں قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان پیدا کیسے ہوا اس پر غور کرے, جنات کی تخلیق کیسے ہوئی اس پر غور کرے, تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہیں, اللہ کی کن کن قدرت کی کرشمہ سازیوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغرب, جس اللہ نے جو رحمان ہے قرآن نازل کیا ہے, جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس اللہ نے جنات کو بنایا ہے, جس اللہ نے انسان و جنات کی روزی رسانے کے لیے بے شمار اسباب و وسائل مہیا کی ہے, وہی اللہ مشرقین کا دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا رب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مشرق مطلب پورب مغرب مطلب پچھمے ہیں, قرآن نے کہا مشرقین دو مشرق ہیں اور دو مغرب, بلکہ قرآن کی بات سورتوں میں یہ بھی ہے رب المشارق والمغارب, اللہ بہت ساری مشرقوں کا رب ہے اور بہت سارے مغربوں کا رب, مطلب کیا ہے؟ اول پہلے میں انسان بھی سمجھتا ہے پورا پچھم مشرق مغرب, سورج جہاں سے اگتا ہے وہ مشرق ہے, جہاں ڈوبتا مغرب ہے, غروب ہونے کی جگہ, شب مشرق اٹھنے کی جگہ, مغرب ڈوبنے کی جگہ, تو ہم ایک ہی مشرق کو مغرب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا رب المشرق ہے, دو مشرقوں کا اللہ حب ہے اور دو مغربوں کا اللہ, اس کی تشریح عمر اس طرح کی ہے کہ موسم کے اعتبار سے مشرق و مغرب میں تبدیلی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے گرمی کے موسم میں اگر سینا سے سورج نکلتا ہے تو سردی کے موسم میں تھوڑا ٹیڑھا میں سورج نکلتا ہے, تو جہاں سورج یہاں نکلا کبھی یہاں سے نکلتا ہے تو دونوں مشرق ہو گئے, پھر اس کی جو ڈوبنے کی وقت آتی ہے کبھی سیل ڈوبتا ہے کبھی بائیں طرف ٹیڑھا میں ڈوبتا ہے, اس مناسبت سے دو جگہ ہو گئی, تو دو موسم کے اعتبار سے سورج کے ڈوبنے کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے, اس مناسبت سے مشرقین اور مغربین کا, اور جہاں اللہ نے مشرق اور مغرب بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب, اس کی ایک وجہ بن جائے گی کہ یہ بھی مرتبہ یہاں نکلے اور فوراً ٹپک کے یہاں سنیں گے ایسا تو نہیں ہے, وہ موسم کے اعتبار سے کبھی یہاں نکلا کبھی یہاں سے نکلا کبھی یہاں سے نکلا کبھی یہاں سے نکلا, تو سورج کے لیے یہ الگ الگ مشرق ہو گئے, طلوع ہونے کی الگ الگ جگہ, ادھر سے نکلا یہ بھی مشرق ہے, یہاں سے نکلا یہ بھی مشرق ہے, یہاں سے نکلا یہ بھی مشرق ہے, یہاں سے نکلا یہ مشرق, اس مناسبت سے مشارق و مغارب کہا گیا, بہت ساری مشرقوں کا بھی رب ہے اور بہت ساری مغربوں کا بھی, اس کے علاوہ مغرب اس کی اس طرح بھی تشریح کی ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی کا معاملہ, جہاں چھ مہینے کا دن ہوتا اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے, وہاں سورج کی نکلنے اور ڈوبنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے, یہاں پورب سے سورج نکلتا ہے اور سیدھا پچھم کی طرف چلا آتا ہے, ہمارے سر پہ سورج ہوتا ہے, اس کو ہم زوال کہتے ہیں, تھر گیا تو زوال ہوتا ہے, لیکن جہاں چھ مہینہ کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سورج کنارے کنارے آتا ہے اور اوپر سر میں نہیں آتا بلکہ کنارے کنارے آتا ہے, باقی حصہ میں سورج کی روشنی نہیں پڑنے کے نتیجے میں ادھر اندھیرا ہی رہتا ہے, تو چھ مہینے تک رات رہتی ہے, پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا سورج کنارے کنارے جاتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے, پھر وہی سے سورج کے اوپر جا دیا جاتا ہے, پھر آہستہ 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 یہ اس کے کنارے, تو سورج کے اندر دو مشرق مانا جائے, ایک مشرق ادھر مانا اٹھنے کی جگہ, ایک مشرق یہاں پھر یہاں اٹھایا مغرب کے مانا جائیں گے, سورج یہاں جا کے جا
छोटा स्थान पहले बयान कर दिया, इससे बड़ा की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जोग्राफियाई एतबार से कुरान मुकद्दस ने जो नक्शा खींचा है उस नक्शा को इंसान सुबह क़यामत तक समझता रहे, कुरान पहले बयान कर चुका है। क्या कहना लगा? रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, वो अल्लाह दोनों मशरिकों का रब है और दोनों मग़रिबों का। इस मशरिक को मग़रिब का तज़किरा करने के बाद फिर अल्लाह ने कहा فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ऐ इंसान और जिन्नात अपने रब के किन किन कारनामों को झुठलाओगे? इसी मशरिक व मग़रिब में तुम्हारा सोना जागना है, इसी मशरिक व मग़रिब के नतीजे में तुम्हारा खाना पीना आराम करना और काम काज करना है। सूरज निकलता है तुम जागते हो, अल्लाह की धरती पर दंदनाते फिरते हो, जब सूरज डूब जाता है तो आहिस्ता है तो तुम्हारी कैफियत बदलती है, रात का सन्नाटा छाता है, तुम आराम सुकून करने के लिए अपने घर जाते हो और सो जाते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत की निशानियाँ है, जब तुम इसकी झुठलाओगे इसको झुठलाओगे, जैसे बात झुठलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि तुम्हें ऐसे खालिक का पता मालूम करके उसकी बंदगी करने की रूह और आदत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। मरजल बहरैन यल्तकिया बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़िया, उस अल्लाह ने दो समंदर को एक साथ चला दिया, वहां मिलता जुलता दो समंदर को एक साथ चला दिया, लेकिन साथ में क्या कहा? बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़िया, इन दोनों समंदरों के दरमियान एक आड़ है कि किसी दूसरे को दूसरे पर तजावुज करने नहीं देता। ऐसा नहीं है कि दो दरिया दो समंदर एक साथ चल रहे हो, इसका पानी इसे मिल गया और इसका पानी इसे मिल गया, ऐसा नहीं होता। वो रुकावट देने वाला आड़ पैदा करने वाला कौन? अल्लाह चलाता दो दरिया को दो समंदर के साथ चला, उसकी कैफियत भी आज के सांसी द्वारा बहुत सारी जीने में आई। अब इलाहाबाद चले हैं और मशहूर है कि बहुत दूर तक गंगा जमुना का पानी एक साथ मिलता नहीं है। अब अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, एक का पानी इधर से चला एक का पानी इधर चल रहा, दूर तक देखे एक लकीर किधर लगती है, इधर का पानी गंदा है इधर का पानी गंदा है। अब देखना चाहे यहाँ उसका मुशाहदा एक दूसरे को बताए, दूसरी सूरत बताई जा रही है कि पानी कुछ मीठा होता है कुछ खारा होता है, दरिया या
बच्चा निकलते हैं इन दोनों से, दरिया और समंदर से, लूलू मोती, वह मरजान और मूंगे। मरजान क्या चीज है? एक आबी पानी के दर्द है। अल्लाह उसको कैफियत रखी दुरंग बिरंगे हो, जिसको इंसान से वसीना के तौर पर लगाता भी, इसको घोंगा कहते हैं और सीपी के अंदर क्या क्या है सब तो दरिया समंदर ही होता है। एक बात ये भी है, बहुत मशहूर बात लोग कहते हैं, पहले जमाने में अंदर से कहते थे कि समंदर दरिया ही से मोती निकलता है, समंदर से नहीं, बाद और का समंदर ही से मोती निकलता है, दरिया से और आने का दोनों से निकलता है। और आज के साथ ही ज्यादा ने इस बात की कायद कर दी है, दरिया से मोती निकलता है और समंदर से मोती निकलता है। कुरान ने कहा ये मोती, ये हीरे, जवाहिरात, इसका शर्मिया बोली, ये चमकदार चीज है जिससे आरआई से डिवाइस के आपके काम अशरफ लेते हैं, ये सब क्या है? एक सीम आपके पास में है, उसके अमूक बनता है, आसमान से शबरम के कतरात गिरते हैं, वो कतरा गिरा बंद हो गया। अगर एक सीम के अंदर एक ही मोती हो, उस सीम की, उस मोती की कीमत ज्यादा होगी, और एक सीम के अंदर कई कई मोतियां हो जाए उसका दर्जा कुछ कम होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सीम का जब मुंह खुलता है और आसमान से शबनम के कतरा उसमें गया बंद हो गया और बेहतरीन किस्म का मोती तैयार होता है। उसी तरह इंसान जब इंसान के माँ बाप मियाँ बीवी जो आपस में मेल मिलाप करते हैं, इन दोनों को पानी एक साथ देता है, वो गर्दिश करता है, रहम वाले का मुंह खुला, जिसका पानी उसने संपर्क कर लिया, बच्चा उसी की तरह होता है या उसी नस्ल का यानी उसी जिंस का होता है। अगर मर्द का पानी गालिब आया, मर्द के पानी इसमें दाखिल हो गया, बच्चा रोगा पैदा होता है, और नहीं तो लड़की अगर औरत के पानी गालिब आ गया तो बच्ची पैदा होती है। और कम उसके लिए भी आ गया कि शक्ल शबाब के अतबार, अब अगर दोनों का पानी इसमें है लेकिन वहां भी जिसका पानी ज्यादा गालिब होता है उसकी शक्ल उसकी शबाब वो बच्चा एहतियात करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात तो कहा यخرج منهم اللؤلؤ والمرجان, इन दोनों से दरिया समंदर से मोती और हीरे जवाहरात या मूंगे निकलते हैं। फिर अल्लाह ने क्या कहा فبأي آلاء ربكما تكذبان, ऐ इंसान जिन्नात अपने रब की किन किन कमाल कुदरत को किन तकसीम करो, कुदरत की निशानी देखो कि अल्लाह कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीजों को पैदा कर देता है। पानी में मछली भी है, पानी में बहुत सारे जानवर भी हैं, पानी में हीरे जवाहरात भी हैं, जो गोता जनी करता है गोता डाक लगाता है वहाँ से अपनी उस ताकत के मुताबिक अल्लाह की तौफीक से वो हीरे जवाहरात भी निकाल लेता है। वलहुल जवाहिर मुनशातु फिल बहरी कल अला, और उसी के इख्तियार में है दरिया में या समंदर पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए जहाज। कभी ये अलग अपने कुमार को कैसे बात है जितना इंसान अपने रब की किन किन नेमतों को झुकता हो। जहाज बमाना कश्ती, उस जमाने में बात पानी कश्ती होती थी, बस स्टीमर हो गया और जबरदस्त कई कई मंजिला जहाज बन गया। पानी का हाल यह है मामूली सबकी सुई पत्थर फेंकिए अंदर चला है। इतना बड़ा कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा पानी का जहाज जिसमें कितना सामान होता है, कितना वजन होता है, वो पानी के जोश पर उसके कंधे पर उसके सीने पर चल रहा होता है, तो कौन चलाता है? मामूली सबकी पानी कबूल नहीं करता, अंदर ले लेता है। इतना बड़ा वजनदार तो पानी अपने सीने पर ले गया है। आज तीन दिन चल चल मंजिला जहाज में पानी में और मुस्तकिल पानी में दरिया या समंदर की सफलता करता है। नकल हमल के लिए बेहतरीन वो मसरफ है, बहुत भारी वाली चीज है, इसे इंसान ट्रेन में बसों में और जहाजों में नहीं ला सकता, वो पानी के रास्ते बड़ी बड़ी चीज है, बड़ी वजनदार चीज, तो पानी पर उसे लाना गया। कुरान कहता है वो अल्लाह जिसने
जहाज की तरह, जहाज को बिल्कुल पहाड़ की तरह पानी में डाल दिया। गौर करेंगे जमीन के ऊपर अल्लाह ने मेघ भूमि के तौर पर पहाड़ उगाया। कभी बीच समंदर में, बीच दरिया में कश्ती को लंगर अंदाज होने की जरूरत पड़ती है तो अल्लाह वहां भी ऐसे असबाब पैदा कर देता है, इंसान वहां भी खड़ा कर देता है। क्या है पुराने काल उसी के अख्तियार में है, पहाड़ों की तरह दरियाओं समंदर में ऊंचे जहाज, अब ऊंचा ऊंचा जहाज, लंबा लंबा जहाज देखते हैं कौन चला रहा है, हवा का रुख बदल जाए, इंसान को तौफीक देता है, इल्मी एतबार से फैसला करने की सलाही देता है कि किस तरह उसका मुकाबला किया जाए, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ जाए उसे किस तरह काटा जाए और किस तरह दुश्वारियों को दूर करके मंजिले मकसूद तक पहुंचाया जाए। बाजार में कुछ दिखता नहीं है लेकिन पानी के अंदर वो सारी रुकावटें आती है, बड़ी बड़ी मछलियां वो बिल्कुल चीर फाड़ के कश्तियां निकल जाती है, जहाज आगे चले जाते, क्यों भाई वो रुकावट तो होती है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इल्म लियाकत भी दिया है और अपना खुसूसी फजल करम भी फरमाया। कुरान ने क्या कहा, वलहुल जलालिल मुनशान, उसी के कब्जे कुदरत में ऊंचे उठे हुए क्या है, जहाज है फिल बहर दरिया में, कल आला पहाड़ की तरह, दूर से मानो के पहाड़ है। अगर आपका दरिया ये समंदर ही सफर नहीं हुआ पूर में चले आइए, छोटा मोटा जहाज का तो मुशाहिदा आप कर ही सकते हैं, एयरपोर्ट के इलाका में जाइए तो बड़ा बड़ा जहाज कैसे होता है, उसे किस तरह लगता है, इसके मुआयना तो कर ही सकते हैं। कुरान ने कहा ये अल्लाह तबारक व तआला की कमाल कुदरत की बात छोटी छोटी निशानी है, इंसान की निगाह बहुत बड़ी बात है लेकिन अल्लाह के तो चुटकियों का मामला है। क्या फरमाया, वलहुल जवारिल मुशायद फिल बहर कल आला, उसी के इख्तियार में है ऊंचे जहाज समंदर में बिल्कुल पहाड़ की तरह। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ऐ जिन्नात और इंसान अपने रब की किन किन नेमतों की बताओ। कुरान मुकद्दस की आयतों को पढ़िए, सूरह रहमान में बड़ी सारी नेमतों का तस्करा किया गया और बार बार कुरान ने कहा, कम से कम 31 बार इसका तस्करा हुआ, उसके जवाब में जिन्नात ने कहा, ला बिशय मिन निअमिक मुकज्जिब फला तरहम, अल्लाह तेरी किसी नेमत की तस्दीक और झुठलाते नहीं है तेरे लिए था। जब सहाबा के सामने आपने पढ़ी सूरह और किसी ने कुछ नहीं कहा तो आपने कहा कि तुम सच्चे तो वो जिन्नात है कि जिनके सामने पढ़ा गया उन्होंने बाजार का तस्करा किया, अल्लाह विषय मिलने में तो मुकद्दस बने था। इसलिए जब भी इस आयत को पढ़ा जाए तो उसके जवाब में आदमी आहिस्ता से कहे, ला विषय मिलने में का मुकद्दस, अल्लाह तेरी नेमतों में से किसी एक नेमत की तस्दीक नहीं करते हैं, फलकल हम तेरे लिए कि अगर इमाम साहब पढ़ेंगे नमाज में तो नमाज पढ़ने के बाद मुस्तनी उसके जवाब दे के नहीं देगा तो मसला बड़ा होता है। मुसीरी ने बयान किया चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया जिन्नात के सामने पढ़ने का था वो नमाज में नहीं था, नमाज के बाहर था, नमाज के बाहर जिन ने जवाब दिया था इसलिए नमाज में पढ़ने पर जवाब देना नहीं है। अगर जवाब खामोशी देता तो चल जाएगा लेकिन आम वक्त में जब पढ़ा जाए उसका जवाब जवाब है, ला विषय मिन नियामिक मुकज्जिब फलकल हम, ऐ अल्लाह तेरी नेमतों में से किसी एक नेमत को भी हम झुठलाते नहीं है तेरे ही की तारीफ। अल्लाह हमें और आपको उन मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में ही दामा बजाने की तौफीक दान फरमाए। अकुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्सालिम मुस्लिमीन व अकुल दावाना।